तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए दिन के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, लास्ट डे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कंप्यूटर के बेसिक्स थे। ठीक है, आई थिंक आपको वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपने सेकेंड क्वेश्चन से। ब्लॉक डायग्राम और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के उपकरणों के बारे में कि कंप्यूटर के क्या क्या उपकरण हैं। ठीक है, कंप्यूटर हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स और पार्ट्स। कंप्यूटर के मेन तीन उपकरण है या पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट है इनपुट यूनिट, सेकेंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और थर्ड है आउटपुट यूनिट। आपने ये 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये है इसकी इनपुट यूनिट, ये इसकी आउटपुट यूनिट और बीच में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट से हम कमांड्स देते हैं, डाटा फीड करते हैं, जाता कहाँ पे, यहाँ पे होता है प्रोसेस, फिर हमें कहाँ पे दिखाई देता है वो आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब सीपीयू के अंदर उसका जो काम चलता है प्रोसेसिंग का, वो ये तीनों कंपोनेंट उस काम को करते हैं ना, ये प्रोसेसर के पार्ट्स हैं। ठीक है, सीपीयू के एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका काम होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी कि कैलकुलेशन का जो काम होता है एएलयू। उसके बाद होती है हमारी सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, और तीसरे पे आती है हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आती है हमारी रैम एंड रोम। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये है हमारी इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, यहाँ से मेन जो कंप्यूटर के साथ लगी होती है मैं सिर्फ वही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम डाटा फीड करते हैं, जाता कहाँ पे, सीपीयू के अंदर, और सीपीयू प्रोसेस करने के बाद प्रोसेसिंग जो करता है वो इन तीनों चीजों से करता है, वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। ठीक है, और हमें दिखाई कहाँ पे देती है, आउटपुट यूनिट के ऊपर। ठीक है, ये आउटपुट यूनिट, ये इसका ब्लॉक डायग्राम भी है। ठीक है, इनपुट यूनिट, बीच में मेन मेमोरी है, इनकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स दिखाए हुए हैं सारे, और ये आउटपुट यूनिट कैसे कैसे प्रोसेस चलती है। ठीक है, इनपुट यहाँ पे हुई, ठीक है, मेन मेमोरी में गई, फिर अगर कैलकुलेशन का काम हुआ तो ये करेगी, अगर हार्डवेयर की कोऑर्डिनेशन का काम हुआ तो कंट्रोल यूनिट काम करेगी, और ऑक्सिलरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज को जोड़ दिया गया इसके साथ, जैसे हार्ड डिस्क है। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद डाटा कहाँ पे स्टोर करना है वो ऑक्सिलरी स्टोरेज के अंदर, एक्स्ट्रा स्टोरेज जो लगी हुई है उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है, डाटा को स्टोर करने के बाद या डाटा को डायरेक्ट देखना है तो सेम इनपुट हुई, यहाँ पे सारा प्रोसेसिंग का काम हुआ और यहाँ पे हमें दिखाई दिया। ठीक है, अब चलिए डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट इज द डिवाइस थ्रू विच वी इंसर्ट और फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। अब इनपुट यूनिट एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए हम इंसर्ट मतलब डालते हैं और फीड मतलब खिलाते हैं डाटा डालते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, पेन है, स्कैनर है, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस है। इन सारी इनपुट डिवाइसेस का काम होता है कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने का, या आवाज के जरिए या लिखकर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आती है हमारी सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब सीपीयू को हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, दैट परफॉर्म ऑल कंप्यूटर टास्क, जो कंप्यूटर के सारे कामों को करता है विद इट्स थ्री मेन पार्ट्स, अपने तीन भागों के साथ, अपने तीन पार्ट्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, इट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब ये जितने भी अंक गणितीय काम होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, जैसे जमा घटाना यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा, ये सारे काम करती है हमारी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा और लॉजिकल टास्क यानी कि
तर्क शक्ति भी है इसके अंदर, तर्क काम भी करते, तार्किक काम भी करती है, लॉजिकल काम भी करती है, जैसे कंडीशन टेस्ट करना एंड और नॉट, ये डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है, ये सारे काम जो है वो एआईयू के हैं। सेकंड पे आती है हमारी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंट्रोल यूनिट को हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, दिल, ये कंप्यूटर का दिल। अब इसका काम क्या होता है, देखो, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट और समन्वय का काम, कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना, समन्वय बिठाना, हार्डवेयर के जितने भी उपकरण लगे होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, उन सबको कंट्रोल करने का काम करती है हमारी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। थर्ड पे आती है मेमोरी, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हैज टू टाइप्स, मेन मेमोरी दो तरह की होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और दूसरी रीड ओनली मेमोरी है, जिसके बारे में आपने 10th में भी पढ़ा या 9th में पढ़ा, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रैम का काम, जितना भी टेम्परेरी काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, स्क्रीन के ऊपर चल रहे होते हैं, वो सारे काम होते हैं रैम के अंदर, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी का काम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप कोड लिखा होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक पार्ट को हार्ड डिस्क में से उठाता है और उसको रैम के अंदर लेके आता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए कि इनके क्या काम होते हैं, ठीक है। थर्ड पे आती है हमारी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट इज ए डिवाइस। आउटपुट यूनिट भी क्या, एक उपकरण है दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड इनपुट, जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड इनपुट। जो भी हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करके दिखाती है, उनके रिजल्ट दिखाती है हमें आउटपुट यूनिट। अब ये देखो किस किस तरह की है, ये सच है, जैसे कि BDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LCD, मॉनिटर LED, जो भी हैं LCD, LED, OLED, जिनके ऊपर हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गए, प्लॉटर हो गए, ये सारे आउटपुट यूनिट, ठीक है। चलिए अब आती हैं व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहली है स्पीड। अ कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट मशीन दैट कैन परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब कंप्यूटर क्या है, एक बहुत ही फास्ट मशीन है जो हजारों के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, वो भी चंद सेकेंड्स के अंदर, फ्यू सेकेंड्स, चंद सेकेंड्स के साथ, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब इसमें स्पष्टता, ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज वेरी हाई। कंप्यूटर सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा है। एरर्स कैन ऑकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स। गलतियां ऑकर होती हैं, मतलब होती हैं कि जो संभावना होती है वो ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, अगर हम खुद गलती करते हैं, ह्यूमन मतलब मानव गलती करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब संचय करने का जो साधन है, इसमें डाटा को स्टोर करना, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन इट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो भारी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है अपनी दूसरी स्टोरेज की डिवाइस के अंदर, जैसे कि हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव्स हैं, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ठीक है, उनके अंदर। नो टायर्डनेस, बिना थके हुए। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल कॉम्प्लिकेटेड टास्क विदाउट शोइंग एनी टायर्डनेस। एक कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे मुश्किल काम कर सकता है विदाउट, बिना शोइंग एनी टायर्डनेस, बिना किसी थकावट को दिखाए हुए, टायर्डनेस मतलब थकावट। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी होती है प्रतिभाशाली को बोलते हैं वर्सेटिलिटी, ठीक है। अब कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। अब देखो कंप्यूटर जो है वो एक समय में बहुत सारे काम कर सकता है, सच है, जैसे कि लिसनिंग म्यूजिक, गाने सुनना, वर्ड प्रोसेसिंग टास्क, साथ में लिखना भी, वर्ड्स प्रोसेस करना एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को साथ साथ में प्रिंट भी करना, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, इसलिए क्या है, ये प्रतिभाशाली है। अब चलिए इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है। नॉट इंटेलिजेंट, अ कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट बिकॉज इट कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन इटसेल्फ। कंप्यूटर जो है वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि ये अपने आप जो है वो निर्णय नहीं ले सकता है। अगर इसको निर्णय लेने की शक्ति भी देंगे हम तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो भी काम हो रहा है, रोबोट्स बन रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, वो है एक तरह की कृत्रिम
बुद्धि जो भी इंसानों ने बनाई हुई है, ठीक है। ह्यूमन डिपेंडेंसी, मानव के ऊपर निर्भरता, कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर निर्भर करता है, बिकॉज क्योंकि इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ये उस बुद्धि के ऊपर काम करता है, उस बुद्धि के आधार पर, बेसिस मतलब आधार, बुद्धि के आधार पर काम करता है विच इज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो हम मानवों ने इसको दी हुई है। नो फीलिंग्स, कोई अनुभव नहीं, कोई एहसास नहीं, कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स एंड इमोशंस, कंप्यूटर के कोई भी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होती है, रोता थोड़े ना, ये इसको दर्द होना होता है ना, लगे नो फीलिंग्स, ठीक है, नो एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं। अ कंप्यूटर डज नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, कंप्यूटर जो है वो नहीं सीखता है, लर्न नॉट लर्न डज नॉट लर्न, नहीं सीखता है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी भूतकाल है उससे कुछ भी नहीं सीखता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे कंप्यूटर के इतने ही कॉन्सेप्ट काफी थे, कल फिर मिलेंगे हम नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय भारत।